देखो चैप्टर 1062 की स्पॉयलर्स की वीडियो मैंने पहले ही डाल दी थी, पर उस वीडियो में मतलब बहुत खतरनाक स्पॉयलर्स देखने को मिल गया था अपन को। पर इस वीडियो में अपन उन्हीं खतरनाक स्पॉयलर्स के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। अगर वो स्पॉयलर्स की वीडियो ना देखी हो वैसे तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। फिर भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर लेना। तो इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पॉयलर्स हैं, वीडियो कहीं पे भी स्किप मत करना, क्योंकि ऐसे ऐसे स्पॉयलर्स मिलने वाले हैं। या फिर एक चैप्टर का रिव्यू भी कह सकते हो कि तुम सुनोगे और तुम्हारे सुन के और देख के ऐसे हक्के बक्के उड़ जाएंगे, तुम लोग खुश हो जाओगे और एक सब्सक्राइब का बटन दबा दोगे और वीडियो को लाइक भी कर ही दोगे और शेयर करना तो भूल ही नहीं पाओगे और कमेंट करके बता दोगे वीडियो कैसी लगी और नोटिफिकेशन कॉल पे करोगे ना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन तुम तक पहुंच सके। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जो अपने चैप्टर का नाम होने वाला है वो होने वाला है एडवेंचर इन द लैंड ऑफ साइंस। तो ये अपने चैप्टर का नाम होने वाला है। और उसके बाद अपन को जो कवर फोटो पे देखने को मिलता है उसमें अपन को देखने को मिलेगा कि चोकोकोला जो टाउन है बिग बॉम का, उसको आइस, वो पूरा आइस में कवर हो चुका है। पर उसका रीजन अभी अपन को मालूम पड़ेगा नहीं, जब तक अपन को कवर देखेंगे नहीं। ये तो खैर पढ़ने को मिला है। उसके बाद अपन को एक और खतरनाक स्पॉयलर देखने को मिल जाता है कि जो लूसी, काकू और सूजी हैं, जो CP9 की और जो CP0 की हैं दोनों तीनों, तो वो लोग जा रहे हैं डॉक्टर वेगापंक को मारने। और इसका रीजन देखो मेरे पास तो एक ही है कि डॉक्टर वेगापंक ने काइडो के सिमिलर डेवल फ्रूट बनाया था, जो तुम्हें याद हो मोमो का, तो उसने कह दिया था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट से कि ये डेवल फ्रूट मतलब काम नहीं करता, ये डेवल फ्रूट एक फेलियर है। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसको मार लिया था जब CP0 जब वहाँ पे थी अपनी वानों में, या एडमिरल अपना ग्रीन बोल, उसने बता दिया वर्ल्ड गवर्नमेंट को कि डॉक्टर वेगापंक झूठ बोल रहा है। उसके बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट का कहना था कि डॉक्टर वेगापंक को बहुत ही ज्यादा कुछ मालूम पड़ गया है वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में, उसको मारना ही सबसे बेस्ट रहेगा। तो देखो इससे अपन को ये देखने को मिल सकता है कि लूफी डॉक्टर वेगापंक को बचा है, और क्या पता डॉक्टर वेगापंक लूफी क्रू में भी शामिल हो सकता है, बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है। उसके बाद अपन को पता पड़ता है कि यहाँ पे एक डॉक्टर वेगापंक नहीं, यहाँ पे 6 डॉक्टर वेगापंक है जिनकी खुद की एक ओन विल है, जो अपनी विल से काम करते हैं, किसी एक दूसरे से जुड़े नहीं है। जैसे मैंने पहले प्रिडिक्ट कर लिया था, प्रिडिक्शन की वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जाके देख सकते हो कि मैंने क्या प्रिडिक्ट कर लिया था इस चैप्टर के बारे में। उसके बाद अपन को एक और बहुत ही मेजर स्पॉइलर पता पड़ता है कि जो ओनी है वो बता दी कूमा उसका फादर है, मतलब कूमा उसका फादर है, और डॉक्टर वेगापंक ने उसको चेंज करके एक वेपन में चेंज कर दिया था। अपन लोगों को लगता था कि वो एक साइबॉर्ग है, पर नहीं, वो इंसान था, पर उसको साइबॉर्ग में बदल दिया गया बाय डॉक्टर वेगापंक। ये एक तो अपन को स्पॉइलर देखने को मिला। उसके बाद अपन को एक और मेजर स्पॉइलर देखने को मिला जिसमें अपन को पता पड़ता है कि जो अपने सेरा फिंस है या जो कूमा वाले सेरा फिंस है, वो ना कूमा का डेवल फ्रूट कॉपी नहीं कर सकते, मतलब वो कूमा वाला डेवल फ्रूट नहीं हो सकता कॉपी, इसलिए उन लोगों के पास कूमा वाले डेवल फ्रूट की पावर नहीं है। उसके बाद अपन को स्पॉइलर देखने को मिल जाता है। उसके बाद अपन को पता पड़ता है कि जो अपना डॉक्टर वेगापंक 02 है वो ईवल डॉक्टर वेगापंक है। उसके बाद अपन को एक और मेजर स्पॉइलर देखने को मिलता है कि जो लूसी, काकू और जो सूजी का न्यू मिशन है वो है डॉक्टर वेगापंक को मारना, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि डॉक्टर वेगापंक बहुत ही ज्यादा जान चुका है वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में, जिससे उनको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उसको मार दो। तो देखो अपन को ये देखने को मिल सकता है कि डॉक्टर वेगापंक को ये लोग मार देंगे, और उसके बाद या मार तो नहीं पाएंगे, क्या लूफी उसको बचा लेगा या फिर ऐसे ही कुछ होगा। लूफी क्योंकि अभी बहुत ही स्ट्रांग है, CP0 का आई डोंट थिंक कोई भी मेंबर उसको अभी हरा सकता है, बहुत ही कम चांसेस है उसको हराने की CP0 के मेंबर्स के द्वारा। अली वो तीनों मिलकर क्यों ना अटैक करें, फिर भी नहीं हरा पाएंगे। और उसके बाद अपन को जो सबसे मेजर स्पॉयलर पता पड़ता है, बहुत ही खतरनाक स्पॉयलर, वो है कि जो अपना डॉक्टर वेगापंक उसका लुक रिवील हुआ है चैप्टर 1062 में, वो कुछ पेन देखा है नारुतो में, पेन उसकी तरह दिखता है जो अपने स्पॉयलर्स के हिसाब से, क्योंकि ये स्पॉयलर फेक नहीं है, स्पॉयलर एकदम रियल है, चैप्टर का हिस्सा है, पहला पार्ट मैंने बना दिया था, ये दूसरा पार्ट है। तो अपन को डॉक्टर वेगापंक का लुक भी इस चैप्टर में मालूम पड़ जाता है। देखो स्पॉयलर की वीडियो यहीं तक थी, चैप्टर आने में आई थिंक इस हफ्ते चैप्टर आ जाएगा, फ्राइडे तक चैप्टर आ जाना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना वीडियो कैसी लगी, और नोटिफिकेशन ऑल कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले तुम देख सको। तो कर दें वीडियो को यहीं खत्म, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।